गाइज, जब कल वीकेंड की बार की शूट हो रही थी, मैंने आपको आके बताया था कि तेजस्वी प्रकाश को डांट फटकार मिल रही है सलमान खान से. उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स मेकर्स के ऊपर, बायस्ड, फेवरिज्म, क्षमता, ये सारी चीजों के ऊपर लेकर इन द लास्ट टू डेज, जो साइकिल वाले टास्क में और जब उन्हें वीआईपी से निकालने के लिए शमिता ने नॉमिनेट किया, ये सारी जो चीजें हुई उसको लेके तेजस्वी को बहुत बड़ी लताड़ मिली है, बहुत बड़ी फटकार मिली है. लेकिन इसके बाद हम सबके दिल में जो है एक सवाल डेफिनेटली आता है कि क्या ये सिर्फ तेजस्वी जब करती है तब इसका बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, या जब कोई और भी बोलता है तभी भी इसे मुद्दा बनाने की जो है ताकत मेकर्स ने रखनी चाहिए. देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक. वेल, ये जब मैंने कल का जब मुझे पता चला वीकेंड की वार का हमारे सोर्सेस से, तब आई वॉज लाइक, मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें आने लगी कि ये सीन, ये सारे जो सीन हैं ये सब राखी ने भी किए, hasn't she? She has done the same things. कितनी बार मेकर्स को accuse करना या कलर्स के ही फेस को जिताएंगे, उन्हीं को आगे ले जाएंगे. जब वो घर के बंटवारे का जो टास्क था, जो डिबेट था, वहाँ पे कहा जा रहा था बार बार राखी से घर वालों को, कुछ भी करके डिबेट के लिए आप सामने तेजा को चूज मत कीजिए, अगर तेजा को चूज किया तो ये लोग जो उसके फेवरेट लोग बैठे हुए, यानी ऑफकोर्स उसका बॉयफ्रेंड के उमर एंड रश्मि, डेफिनेटली तेजा को ही अंदर लेके जाएंगे. उसके बाद एक बार अगर तेजा वीआईपी बन गई तो जो बिग बॉस का फिनाले है, जीतेगी वही. तो ये आप लोग याद रखे, और उससे ये करके बहुत बहुत जगह पे ये चीज़ें फैलाई है कि यू नो, अरे मेकर्स तो इन लोगों को पहले से डिसाइडेड होते हैं कौन सा एंगल से जाना है, क्या जाना है. तो ऐसे जो कमेंट्स हैं राखी ने बार बार किए हुए हैं. राखी को कभी कुछ बोला नहीं गया, लेकिन तेजा को क्यों बोला जा रहा है? और ये जो मेरे थॉट्स हैं, मुझे सेम एक ट्वीट में दिखाई दिए सिमिलर बेसिस पे. एक जो फैन है वो कहती है कि व्हेन सिमिलरली राखी अक्यूजेस चैनल अबाउट, दे विल मेक द चैनल फेस विन बट नो क्वेश्चंस रेज्ड, एंड इफ तेजस्वी प्रकाश रेजेस वॉइस अगेंस्ट फेवरेटिज्म, बायस्ड मेकर्स हैज प्रॉब्लम सिंस इट हैज शम्मो आंटी नेम इन्वॉल्वड. तो यहाँ पे जो है वो फैन कह रही है कि जब राखी चैनल को अक्यूज करती है कि चैनल का फेस जीतेगा, बट तभी कोई सवाल नहीं पूछे जाते, और भी जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे अबाउट तेजस्वी प्रकाश जो राखी ने कहे हैं, एंड थ्रू आउट अदर पीपल जिसके बारे में, फेवरेटिज्म के बारे में राखी ने कॉमेंट किया है. तो तेजस्वी प्रकाश अगर फेवरेटिज्म और फेवरिज्म के अगेंस्ट आवाज उठा रही, तो मेकर जो है उन्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें शमिता का नाम जो है इन्वॉल्व है. शेम ऑन यू बिग बॉस, ऐसे जो है एक ट्वीट आया है. तो गाइस, आपको क्या लगता है? आप अग्री करते हो इस बात से या डिसएग्री करते हो कि किसी के ऊपर यू नो फाइट करना या किसी को लताड़ना, किसी को डांट लगा देना, इसमें सलमान खान जो है बायस उनका दिखता है, वो फेवर कर रहे हैं ये दिख रहा है, राखी को फेवर किया जा रहा है, और वही चीज जब तेजस्वी करे तो उसे लताड़ा जा रहा है. तो what do you have to say, is this fair या फिर unfair? आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, राखी ने मजाक पे बोल दिया होगा, इतना कुछ सीरियस नहीं होगा, क्यों खाली फुकट राखी को सलमान डांटे, जो तेजस्वी ने किया वही गलत है? आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू इन दोनों में से जल्दी नीचे कमेंट करके बताइए, और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए फीफा फूज पे. मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय.